आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के संपूर्ण दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना करें। आंखें मंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें संभाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। तेरे मेरे प्रति एक ज्ञान के लिए धन्यवाद देता हूं। ए करुणामय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए जो दिन भर हमें ढका रहता है। धन्यवाद देते हैं पिता आज के संपूर्ण दिन में तेरे संरक्षण के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि तूने अपने अनोखे प्रेम से हमें ढका, हमारी निराशा को आशा में बदल दिया। जब हम निरुत्साहित थे तूने हमें उत्साह से भर दिया। जब हम रो रहे थे तूने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला। तेरे इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। सचमुच आज के दिन हमने अनुभव किया, धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। हम उस खोई हुई भेड़ की तरह हैं जिसके बारे में लूकास अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, हम खोए हुए थे लेकिन तूने हमें ढूंढ लिया। जिस तरह वो चरवाहा उस भेड़ को पाने पर अपने कंधे पर रखता है, उसी तरह तूने हमें संभाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम घायल हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की चोटें हैं, हमारे ही पापों के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे घावों को शुद्ध करना, हमें शांति से भरना, पाप के हर कलंक से हमें आजाद करना। पिता हम इस समय समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करते हैं, अपने सारे कामकाज को समर्पित करते हैं, सारे धंधे को समर्पित करते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो तेरी देन है, तूने हमें दिया है, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता हमें संरक्षण देना, शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से हमें बचा कर रखना, तेरे पंखों की छाया में हमें सुरक्षा प्रदान करना है। पिता आज की पूरी रात हमारे लिए सुरक्षा की रात हो, अंधकार की शक्तियों दुष्ट आत्माओं से हम बचे रहें, शैतान के हर प्रकार के प्रलोभनों से हम बचे रहें, हर तरह की विपत्ति और हर तरह की दुर्घटना से हम बचे रहें। तेरे लाखों दूतों को भेजकर हमारे घर के चारों ओर बाड़ा बनाना प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी आत्माओं को शांति दीजिए, आज की पूरी रात हमारे लिए शांति की रात हो, अनुग्रह की रात हो। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद ही पिता, मैं समय अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष का भंडार इस समय खोली है, उन्हें संरक्षण दीजिए, प्रेम दीजिए। सारी रात उनके चारों ओर तेरे लाखों दूतों को भेजकर उन्हें सुरक्षा दीजिए, पहरा दीजिए उनका। ये पूरी रात उनके लिए संरक्षण की रात हो, कल एक नया दिन देखने के लिए उनके अंदर उत्साह रहे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। आशीर्वाद।